अबे यार फोन लगा मुन्ना। हेलो डॉक्टर साहब, मैं मुन्ना दादा बोल रहा हूँ। अरे मेरी औरत के पेट में है ना बहुत ज्यादा तकलीफ है, वो उसकी डिलीवरी का टाइम है ना, तो तुम जल्दी से आ जाओ मेरे घर पे। हाँ चले। ए ऊपर वाले, आज मेरी बीवी को है ना बच्चा होने वाला है, तो ये खुशी में मैं थोड़ा सा मूड बना रहा हूँ। अरे तुम मेरी जान है, अरे तेरे अंदर बहुत खूबी है, इसीलिए एक औरत मेरी तू भी है। अरे मेरी जान, तेरे में वो खूबी है ना कि तेरे को पीने के बाद है ना बुद्धू का दिमाग भी चलता। अरे मेरी जान, तेरे को पीने के बाद तो गीदड़ भी शेर हो जाता। अरे तेरे को पीने के बाद, अरे डॉक्टर साहब तुमने मेरे वास्ते क्या खुशखबरी लाई? मुबारक हो, तुमको जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं। अरे वो तो होना ही था डॉक्टर साहब। आओ बड़े डॉक्टर साहब, बड़े डॉक्टर साहब। और ये तुम शराब पीना क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हें तो पता है ना शराब कितनी बुरी चीज होती है। अरे मैडम आप खुद ही सोचो, अगर मैंने शराब पीना बंद कर दिया तो लोग तो ऐसी भूखे मर जाएंगे। हाँ? और सरकार का नुकसान अलग। वो क्यों? अरे क्यों? अरे मैडम उनकी शराब नहीं बिकेगी, और फिर मैंने अगर शराब छोड़ दिया तो इनकी शराब खरीदेगा कौन? Oh, no. और तो और मैडम, अगर मैंने शराब पीना बंद किया ना तो शराब की दुकान के सामने बेचारे गरीब लोग, कोई अंडा भुर्जी बेचता है, कोई बॉयल बेचता है, कोई नमकीन वेफर बेचता है, कोई चना मसाला बेचता है, तो कोई पपड़ बेचता है। अरे जब उनका माल ही नहीं बिकेगा तो साला वो लोग के तो चूल्हे बंद हो जाएंगे डॉक्टर साहब। तो प्लीज मेरे को शराब पीने का मना मत करो डॉक्टर साहब, क्योंकि मुन्ना दादा है ना किसी के पेट पे लात नहीं मारता। अरे मैम साहब, मैं इनके पेट पे कैसे लात मारू? डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? अरे मुन्ना बहुत रहम दिल इंसान है, समझे क्या? मुन्ना अच्छा हुआ बेहोश होगी डॉक्टर साहब, ये दारू भी बहुत टाइम से इंतजार कर रही। सर मैं अफजल बोल रहा हूँ। हाँ मुन्ना घर के ऊपर ने चरस का माल गैस का माल बहुत रखा है, आजकल वो चरस का धंधा चालू किया साहब, मैंने खुद देखा साहब, वो अपने घर में रखा हुआ है। हाँ सर पक्की खबर है सर। ओके एकदम पक्की खबर। ओके सर। कहाँ है तेरा घर वाला मुन्ना दादा? बाहर गए हैं वो। पहले तो दादागिरी करता था, चरस गांजा अफीम दारू ये सब बेच रहा है। अरे नहीं नहीं साहब, मेरा आदमी शराब जरूर पीता है लेकिन चरस गांजा नहीं बेचता है। कहाँ वो? मेरे बाप रे, नमस्ते साहब, क्या बात है? अरे तू बैठी क्या, जा साथ के वास्ते पानी ले जा, चल बैठो साहब बैठो। साहब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ये मुन्ना बेवड़े, मदद तो तू मेरी बाद में करना, पहले ये बता तूने दारू गांजा अफीम चरस कहाँ छुपा के रखा? आप मेरे को तो लगता ना साहब मैंने नहीं, तुमने माल मार लिए ले। ओ साहब मुन्ना दादा है ना, चरस गांजा अफीम नहीं तो रही बात दारू की, तो दारू है ना मुन्ना दादा खूब चीप बोल के पीता है। एक बात बोलू ये तुमको, चार पांच कॉर्डर है ना मैंने लॉकडाउन की वजह से दिल्लक करके रखी है। मैं क्या बोल रहा साहब, तुमको अगर माल मांगते ना तो मेरे साथ बैठो, अपन दोनों धूम से पार्टी करेंगे साहब। अरे साहब इसके घर की तलाशी लेते, जब ही आएगा लाइन पे ये। एक्सक्यूज मी साहब, ये घर है ना इज्जतदार आदमी का घर है, तो तुम्हारे पास सर्च वारंट है क्या? हवलदार
ये तो बिल्कुल सच कह रहे हैं, अपने पास इसका सच वारंट है ही नहीं। अरे साहेब, ये बेवड़ा तो अपने से शाना निकला। क्या साहब, बोलती बंद हो गई क्या? अरे मुन्ना दादा है ना, लॉ जानता है, मतलब कानून जानता है। अरे साहेब, ये बेवड़ा अपने से ज्यादा होशियार निकला। चलो साहेब, सच वारंट लेके आते। नहीं हवलदार, रुक, कौन से है तेरे तीन सवाल? पक्का ना? पक्का, मेरा पहला सवाल है, मोर ऐसा परिंदा है जो अंडे नहीं देता फिर भी बच्चे पैदा होते, बोला कैसे? क्या साहब, बहुत नॉलेज है ना तुमको? अरे मुन्ना दादा के सामने अच्छी अच्छी भी नहीं चलती, तुम तो बहुत बुरे है। क्या साहब, बोलती बंद हो गई क्या? ओह नो, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं दे देता। अरे साहब, मोर न रहे, मोर नहीं तो अंडे दे सकती ना। अब दूसरा सवाल, एक चीज ऐसी है उसको काटते है, पीसते है, बांटते है, मगर खा नहीं सकते, बोलो साहब क्या है वो? तब काय करूंगी? अरे साहब, फिर बाल नोच रहे तुम, चलो इसका जवाब भी मैं दे देता। अरे साहब, एकदम आसान जवाब है, ताश के पत्ते। अरे मुन्ना के पास है तुम? अरे साहब, मुन्ना को कोई कहीं नहीं लगता, उसकी औरत को छोड़ के समझे क्या तुम? चलो अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी जिंदगी में एक बार लेकिन औरतें ना रोज रोज करती, बताओ? नो 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 नो, ये भी जवाब मुन्ना ही देगा। चलो तुम्हारा ये भी आसान कर देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। अरे सिंदूर है सिंदूर, आदमी एक बार लगाता, औरत रोज लगाती। चलो जल्दी में रहो, चलो। नो दादा, पिया तूने और चक्कर हमको आ रही, अबे हवलदार। अरे साहेब, मुन्ना दादा से ऊपर वाला ही बचाए, बची कुची है, चलो। ओ साहेब, सुनो, आज के बाद है ना मुन्ना के घर की तरफ देखना भी नहीं, चलो। चलो रोल, रोल एक्शन। कहाँ है तेरा आदमी मुन्ना दादा? अभी ठीक है, ये मुन्ना है ना तुम्हारा जनरल नॉलेज लेंगे, मैं तुमसे तीन सवाल पूछूंगा साहब, अगर तुमने तीनों सवाल के जवाब दे दिए ना तो मेरे घर की सारी तलाशी ले सकते साहब तुम। बोल सवाल। नहीं, चलो जा, एक्शन। रुको, बैठा दे, नहीं हटू, टच टच, हां टच, रूल है, एक्शन। चलो साहब, रुको रुको हवलदार, इसके सवाल का जवाब मैं देता हूँ। हाँ पूछ, क्या पूछा जाता है? रूल है, रूल, एक्शन। अरे साहब, यह इसे मानने वाला नहीं है, इसके घर की तलाशी लेते, जब भी लगान पे आएगा ये। एक्शन। साहब, तुम्हारे पास सर्च वारंट है क्या? हवलदार, अपन ने तो ये सोचे नहीं कि इसका सर्च वारंट अपने पास है। अरे साहब, बहुत नहीं, सर्च वारंट। हाय दोस्तों, हाय फ्रेंड, हमने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है, वैसे भी शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी कमेंट कीजिए, और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूले, और हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।